नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप NCVT MIS पोर्टल पर एग्जामिनर का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो दोस्तों, ITI में जब भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं तो वाइवा के लिए एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर वहाँ पे जाते हैं वाइवा लेने के लिए, उसी को हम एग्ज़ामिनर बोलते हैं। तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन MIS पोर्टल पर स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी किसी भी ITI के प्रैक्टिकल में एग्ज़ामिनर बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, कौन कौन से लोग एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेबल हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या कोई एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। तो आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा का मतलब ITI से नहीं है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होना चाहिए। डिग्री का मतलब बीटेक, बीई या और कोई कोर्स होना चाहिए। अगर ITI आपके पास है, अगर आपने ITI कर रखा है तो आपको CTI भी पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, तो इसको अप्रूव कौन करता है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो MIS पोर्टल पे एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके पूरे फॉर्म को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप भर के रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसको अप्रूव कौन करता है, जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे उस पर अप्रूवल का मैसेज आएगा। तो अप्रूव का जो अप्रूवल के लिए जो ऑथोराइज किया गया है, गवर्नमेंट आई के डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। जितने भी एग्जामिनर के रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके पास चले जाते हैं, वहाँ वो पूरा उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर उनको रिजेक्ट या अप्रूव कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर कौन होता है? आपके डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल आपके नोडल ऑफिसर होते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए आपको मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको NCVT MIS पोर्टल पर पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको NCVT MIS पोर्टल ओपन करना होगा। उसके लिए उसका URL जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वेबसाइट को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का व्यू आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर का एक टैब आ रहा है, उसके नीचे एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो हमको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज व्यू हमारे सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंटर डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, आपकी सारा ये सारा बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के बता देता हूँ किसमें क्या भरना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेड कलर का स्टार मार्क भी आ रहा है, तो वो फील्ड सबसे ज़्यादा कंपलसरी फील्ड है, वो फील्ड्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको नाम भरना है, नाम हम यहाँ पे अपना भर देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी भरनी है, आपकी जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दी। जेंडर आपको भरना है, पिता का नाम आपको भरना है, यहाँ हमने पिता का नाम भर दिया। मैरिटल स्टेटस आपकी, अगर शादी हो गई तो मैरिड कर देंगे, नहीं हुई है अनमैरिड कर देंगे, जो भी आपका है वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी में आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST, बैकवर्ड क्लास, OBC हमारी है। यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपको दिया गया, कंपलसरी फील्ड नहीं है, अगर है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी फील्ड ये नहीं है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको देनी है अपने, यहाँ पे आपके पास जो आप अपनी ईमेल आईडी देंगे
वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, नहीं तो आपका जो एक्टिवेशन का लिंक है वो आपके मेल आईडी पे ही जाएगा। अगर आपकी ईमेल आईडी ओपन नहीं हो पाएगी तो ये आपका फॉर्म दोबारा भर भी नहीं पाएंगे और फिर से आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी भर देते हैं और यहाँ हमको अपना मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ हमने अपना मोबाइल नंबर भर दिया। यहाँ आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है, तो फ़िलहाल मैं अपनी फ़ोटो तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन बट कोई एक फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा के आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास अपनी फ़ोटो कोई है नहीं। तो यहाँ पर मैं कोई फ़ोटो लगा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे हम एड्रेस भर देते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेट आपको चूज़ करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद पिन कोड आपको चूज़ करना है। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका सेम है, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ सेव एज परमानेंट एड्रेस, सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, दूसरे में टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ आप सबसे पहले अपना क्वालिफिकेशन डाल देंगे, हाई स्कूल पासिंग ईयर आप डाल देंगे अपना, यहाँ पे जो भी आपका पासिंग ईयर है हाई स्कूल का। बोर्ड डाल देंगे, कौन से बोर्ड से आपने पास हुआ है। सब्जेक्ट डाल देंगे, ग्रेड है तो ग्रेड, परसेंटेज है तो आप परसेंटेज अपना डाल देंगे, बाकी आप डॉक्यूमेंट को अटैच कर देंगे। यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट आपको करना है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं अपना। यहाँ पे देखिए, अब आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, तो यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं आईटीआई। कौन से ट्रेड से आपने किया है ट्रेड डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर में सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, कौन से सन में आपने पास आउट किया, यहाँ पासिंग ईयर का ईयर डाल देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ भर देंगे, ओवरऑल मार्क्स का परसेंटेज आपने जितना में से जितना पाया है उसका परसेंटेज यहाँ भर देंगे, कितने ईयर का आपका कोर्स था वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ उसका अटैचमेंट लगा देंगे अपने मार्कशीट का। आगे बढ़ते हैं, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ भरनी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने डाल देना है, कौन से कंपनी या वर्कशॉप में आपने काम किया है, डेजिग्नेशन किस पद पे आपने काम किया है, फ्रॉम कब से स्टार्ट किया है, कब तक आपने वर्क किया हुआ है। उसके बाद यहाँ अटैच डॉक्यूमेंट करना है, तो यहाँ से हम एक डॉक्यूमेंट को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद अब आपके सामने देखिए लोकेशन प्रेफरेंस आ गया है, ट्रेड प्रेफरेंस आ गया है। तो लोकेशन आप किस लोकेशन पे एग्जामिनर बनना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, स्टेट में हमने उत्तर प्रदेश कर लिया है। और यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जामिनर बनना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आपको तीन डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। यहाँ पे मऊ कर दिया हमने, गाजीपुर, और यहाँ हमने तीन प्रेफरेंस हमने चूज़ कर दिया। हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वही हमने प्रेफरेंस चूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेड प्रेफरेंस में। ट्रेड प्रेफरेंस में हम इलेक्ट्रिशियंस हैं, तो इलेक्ट्रिशियन हमने चूज़ कर लिया। दूसरे में भी, उसके बाद अगर और कोई है, आप और किसी दूसरे ट्रेड के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि वायरमैन भी आता है इलेक्ट्रीशियन में, तो वायरमैन के लिए भी आप कर सकते हैं। और कोई ट्रेड अगर आपके नज़र में हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप जो आ रहा है, आप इस समय क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कहीं आप वर्क कर रहे हैं। तो हम ये अनएम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ हम अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे,
तो ये देखिए एग्जाम यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ जाएगा, योर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली बट रजिस्ट्रेशन इज इनएक्टिव एंड ईमेल हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल दिस विथ एक्टिवेशन लिंक। अब आपको करना क्या है, ये जो मैसेज है इस मैसेज में ये बताया जा रहा है कि आपके जो रजिस्टर्ड जो आपने ईमेल आईडी भरी है उस पर एक्टिवेशन लिंक भेज दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर अब जीमेल खोल लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मेल डीजीटी एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन का मेल हमें रिसीव हो चुका है। अब हमको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ देखिए एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन एक्टिवेट रजिस्ट्रेशन का लिंक हमें मिल रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए योर टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर इस हमारे सामने मिल गया टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसके बाद जब आपका फाइनल आपके डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर इसको अप्रूव कर देंगे, उसके बाद आपके परमानेंटली रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप भी आईटीआई में एग्ज़ामिनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।